नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको गीज़र को यूज़ करने का तरीका और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और इसमें क्या क्या लगा होता है सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि नई नई वीडियो आपको हमारी मिलती रहें। तो दोस्तों हम गीज़र के पास चलते हैं। सबसे पहले नीचे दोस्तों इसके दो पाइप लगी होती हैं, ये देखिए दोस्तों। इस पे दोस्तों एक पे ब्लू कलर की रबड़ लगी हुई है, ये इसका इनलेट वाटर है और ये रेड वाली इसका आउटलेट वाटर है। इधर से दोस्तों ठंडा पानी जाता है और दूसरी साइड से गर्म पानी बाहर आ जाता है। और पीछे दोस्तों इसके एक पाइप निकली होती है ये वाली, ये दोस्तों इसका सेफ्टी वाल होता है और एक यहाँ पर ये भी इसका सेफ्टी वाल लगा होता है। जब कभी हमारा गीज़र कट ऑफ नहीं होता, ये सेफ्टी वाल इसकी सेफ्टी करते हैं दोस्तों, ताकि मेरा गीज़र ब्लास्ट होने से बच जाए। तो ये दोनों वाल जो होते हैं सेफ्टी के लिए होते हैं। और दोस्तों इसके बाद मैं आपके इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ये दोस्तों 5-स्टार गीज़र है और इसकी जो पावर रेटिंग है ये 2000 वाट है। और दोस्तों ये गीज़र जो 25 लीटर का है और ये यहाँ इसका योर मॉडल ब्रांड और ये इलेक्ट्रिक वाटर स्टोरेज गीज़र है। तो दोस्तों ये जो हमारा गीज़र होता है ये दोस्तों 2000 वाट का होता है। 2000 वाट का मतलब दोस्तों ये 2000 वाट बिजली यूज़ करेगा अगर ये जब ये चलेगा। और दोस्तों इस पे लिखा होता है कि ये 25 लीटर का गीज़र है। कई बार लोग सोचते हैं कि इसमें 25 लीटर जो पानी स्टोर हो जाएगा, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर दोस्तों 10 से लेकर 15 लीटर के बीच पानी स्टोर होता है, लेकिन वो पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उसमें हमें बाहर वाला पानी मिक्स करना पड़ता है और मिक्स करने के बाद हमारा टोटल जो वाटर है वो 25 लीटर के आसपास बन जाता है। इसलिए इस गीज़र को 25 लीटर बोला जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है पानी 25 लीटर स्टोर नहीं होता। उससे दोस्तों जो 25 लीटर पानी बन जाता है, 2 जन आराम से नहा सकते हो। अगर आपको दोस्तों ऐसा ही गीज़र मंगवाना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कितना टाइम लगाता है पानी गर्म होने में। ये दोस्तों इसको हमें 20 से लेकर 30 मिनट इसको फुल गर्म होने में टाइम लग जाता है। इसलिए दोस्तों आप इसको नहाने से 15-20 मिनट पहले ऑन कर दें, ताकि जो हमारा ये पानी है पूरा इसके में अच्छी तरह से गर्म हो जाए। दोस्तों ये इस पे दो लाइट लगी होती हैं, ये दोनों लाइट चलती हैं। जब ये हमारा गीज़र पूरा तरह से गर्म हो जाता है तो ये ग्रीन लाइट हमारी बंद हो जाती है। कुछ गीज़र में दोस्तों ये अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इसकी लाइट बंद हो जाती है। बाकी दोस्तों इस गीज़र को यूज़ करना बहुत ही आसान है। बस आपने नहाने से इसको 15-20 मिनट पहले ऑन कर देना है और बस उसके बाद आप नहाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और दोस्तों आप जब भी गीज़र को ऑन करते हैं तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाता है। इसमें दोस्तों थर्मोस्टेट लगी होती है जो इसको अपने आप ही आधे घंटे के बीच बीच में बंद कर देती है। तो आपको ये टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम गीज़र ऑन कर देंगे तो हमें ऑफ़ भी खुद करना पड़ेगा। इसमें थर्मोस्टेट लगी होती है जो अपने आप ही गीज़र को टाइम पे बंद कर देती है, तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो ऐसी नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका समय शुभ रहे। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें। ये दोस्तों बिल्कुल ही फ्री है।